Hey, hello students. Welcome to IFES. Very, very good afternoon to all of you. Very, very good afternoon. In fact, good evening to all of you. Ipsita, Ishika, Jimin's, Jams, Ria Oja. Very, very good evening to all of you. Welcome to our session. देखिए आपको पता है आपका exam 1 month बाकी है और ये जो series है specially आपके लिए है जी students. आपके लिए यानी कि CUET के जो general awareness आते हैं वो हम practice करने की कोशिश कर रहे हैं YouTube session में आके. आई होप ये सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं. तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन जो भी हो. नंदिता वेरी गुड इवनिंग, देवाशीष वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, वेलकम वेलकम इन आवर लाइव सेशन. तो देखिए आज भी दूसरे दिनों की तरह बहुत सारे सवाल लेकर आया हूं मैं जो हम मिलकर सॉल्व करेंगे. तो क्या होने वाला है जी, जैसा आपको पता है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड एनालिटिकल स्किल्स वाला सवाल मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ. लेकिन स्टूडेंट्स बता रहे थे कि सर क्यों ना आप जनरल अवेयरनेस के बारे में कुछ बताइए एक दिन. तो मैं इसी कारण से, ओनली बिकॉज ऑफ यू, मैं ये सीरीज कर रहा हूँ जी. और इस सीरीज में जनरल अवेयरनेस का जो सवाल है बहुत बहुत ईजी है. बस मैं आपके लिए सवाल लेकर आया हूँ. आई होप वी आर रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चन. वंशिका वेरी गुड इवनिंग, अतशी, शुभा, शुभश्री, जाना, जेना, देवाशीष वेरी वेरी गुड इवनिंग जी. चलिए शुरू करते हैं जल्दी जल्दी क्विक सेशन जो होने वाला है. इस सेशन में जो सवाल है ऑब्वियसली वो सीयू सेट का सवाल है. जल्दी जल्दी बताइए द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस इज ऑब्जर्व एवरी ईयर कौन सा डे पे होता है. बहुत ही एक अच्छा सवाल है जो आपका सेंस को भी ग्रो करेगा. इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, जी हाँ ऐसा डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल में. कौन सा दिन, क्या इसको बता सकोगे? प्लीज प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए जी ये आंसर क्या हो जाएगा, क्या लगता है. अगर पता नहीं है तो जल्दी जल्दी पता हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा. और अगर मान लीजिए आपको पता है तो आप जल्दी बताइए क्या होना चाहिए. सर आपकी वीडियो बहुत हेल्पफुल होती है. थैंक यू जी शीता मिश्रा, थैंक यू सो मच, यू आर मोस्ट वेलकम. राइट, जिमी जिम्स बता रहा है 4th ऑफ अक्टूबर. देखिए चारों डेट्स है, 1st अक्टूबर, 2nd अक्टूबर, 3rd अक्टूबर, 4th अक्टूबर. शुभश्री जेना वेरी गुड, यू पीपल आर गेसिंग. देखिए थोड़ा बहुत मैं बता दूं, ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है बट सीयू से 2018 में आए थे. आपको मैं क्या करा रहा हूँ जी, देखिए प्रीवियस ईयर्स का सवाल जो है वो सारे मैं यहाँ पे ज्यादातर आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो ये पूरा जो 21 डेज का सीरीज है इसमें बहुत सारे सवाल आपको पता हो जाएगा जी. और उसके साथ साथ मैं अगर बता दूं कौन सी जगह से आपका सवाल आ सकता है इसके बारे में भी आइडिया हो जाएगा. और कैसे प्रिपरेशन लेना है उसके बारे में मुझे जितना आता है उतना आपको सजेशन देने की कोशिश मैं कर रहा हूँ जी. ठीक है, बस आपसे एक रिक्वेस्ट, मैं देख सकता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जुड़े हुए हैं बट आपका जो प्रेजेंस है लाइक के माध्यम से आप उसको एक्सप्रेस करिएगा. चलिए जी देख लेते हैं इसका जवाब जो हो जाएगा. याद रखिएगा 1st ऑफ अक्टूबर. कैसे याद रखना है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, ये क्या हो जाएगा, 1st ऑफ अक्टूबर. 1st ऑफ अक्टूबर बार बार मैं बता रहा हूं, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन. तो ऐसा दिन का जरूरत क्यों हो गया जी, ये एक दिन रखा गया है स्पेशली जो ओल्डर पर्सन बड़े बुजुर्ग होते हैं उन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में उसको याद रखने के लिए. अब कभी कभार हम लोग देखते हैं कभी बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका प्रॉपर केयर हर कोई नहीं ले पाते ड्यू टू बिजीनेस, बहुत सारे रीजन की वजह से. ये बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है. ये सारी चीज खुद के अंदर ही है, जो वैल्यू सिस्टम है इसको प्रोमोट करने के लिए ही व्हाई वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, बिकॉज देयर इज अ नीड, देयर इज अ ह्यूज नीड. आप देख सकते हो कि एल्डरली पर्सन जो होता है उसका जो अब्यूज होता है, ये सारे बुरे बुरे चीज होता है. आपको बताया डिफरेंट आश्रम है, ओल्ड एज होम है, ये जितना कम हो सके उतना अच्छा है, उनको केयर का जरूरत होता है. ये सारी चीज माइंड पे रखते हुए ही ये डेलिब्रेट डे सेलिब्रेट होता है. जरूर याद रखिएगा 1st ऑफ अक्टूबर हम सेलिब्रेट करते हैं, बाकी ही ऐसे दिन हमको रेगुलर सेलिब्रेट करना चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं जी. 1st ऑफ अक्टूबर शुड बी इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन. आगे बढ़िए. सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कंप्यूटर. आप देख सकते हो कोई भी इंटरनेट पे आप अगर आप वेबसाइट पे जाना चाहते हो http://, ऐसे करके आप लिखते हो और एक होता है https. तो आपको इस क्वेश्चन में बताया गया है जी http इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा. प्लीज बताइए http इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा. वेरी वेरी गुड, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ गुड इवनिंग राकेश, इशिका राजावत, रिया ओझा, राकेश गुजर, जिमी जैम, दिशा, वेरी गुड. देखिए आप में से कितने अच्छे अच्छे स्टूडेंट है
जो बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब देते हैं। निष्ठा राय, वेरी गुड जी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, आप लोग बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, आपका जवाब बिल्कुल सही है। जिनको पता नहीं है प्लीज ये ध्यान रखिए, हाइपरटेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये जो HTTP है ये आप देख सकते हो, जो हाइपरटेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका आइडिया क्या है जी, आप देख सकते हो, देयर इज समथिंग नोट एज फॉर यू, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि इमेज मान लीजिए, डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा मान लीजिए, ये ट्रांसफर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। आप देख सकते हो, सेट ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स सच एज टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड, वीडियो एंड अदर मल्टीमीडिया फाइल्स ओवर द वेब एज सून एज द यूजर ओपन्स देयर वेब ब्राउजर, दे आर इनडायरेक्टली यूजिंग HTTP। तो ये आइडिया है जी, देखिए ये जनरल अवेयरनेस है जी, आपका सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट नॉलेज तो आपको है ही, अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है स्टूडेंट कि हर एक चीज को आप प्रॉपरली पढ़ाई करो, तो मैं नहीं बताऊंगा इन डेप्थ स्टडी करो, बट एटलीस्ट आपका याद रखना चाहिए, समझ में आना चाहिए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये ट्रांसफर वाला वर्ड को देखिए, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये याद रखने वाला बात है, आंसर हो जाएगा HTTP। तो ये प्रोटोकॉल याद रखिएगा, इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और रिमेंबर, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कोई दिक्कत नहीं होगा जी। सो आंसर वुड बी 3 एंड यू पीपल आर एब्सोल्युटली राइट, बहुत अच्छा जवाब आप दे रहे हो जी। स्वाति, सीमा, वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। आगे वाला सवाल क्या है, आप देख सकते हो, लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम, अभी प्रीएम्बल क्या है जी, सिंपल सीधा लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखोगे उसका एक प्रीएम्बल होता है, फ्रंट पेज या फिर इंट्रोडक्शन, जो आपका टेक्स्ट बुक में भी होते हैं, राइट, वो जो वी द पीपल ऑफ इंडिया मैं लेकर आया हूं, ऑब्वियसली आई विल शो यू दैट, आप देख सकते हो दिस क्वेश्चन का आंसर सही क्या हो जाएगा, क्या बात, राकेश, इशिका, बहुत अच्छा जी, इप्सिता, बहुत ही खूब, सारे स्टूडेंट बताइए, राकेश गुर्जर, बहुत खूब, आप लोग बहुत ही नॉलेजेबल हो, मैं बार बार बता रहा हूं, तो मुझे समझ में आ रहा है CUET क्यों ऐसा सवाल किए हैं, क्योंकि आपको ये सवाल आ रहे हैं, वेरी वेरी गुड जी, राकेश, इशिका, आप लोग बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल जो हो जाएगा, रिया ओझा, सही बताया आपने, दैट वुड बी ऑस्ट्रेलिया, वेरी गुड, अवंतिका, वेरी गुड, तो आप देख सकते हो करेक्ट आंसर जो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल होता क्या है जी, सर ये ना बहुत दिक्कत होता है, याद तो रख लूंगा लेकिन समझ में कुछ नहीं आता है, देखिए सिंपल बात है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था ना इंडिया का, अभी देखिए कोई भी चीज करने के पहले रेफरेंस का जरूरत होता है, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का बुक लिखने के लिए कोशिश करोगे तो आप क्या करोगे, पहले डिफरेंट बुक्स, जो पॉपुलर राइटर्स के बुक्स है उसको देखने की कोशिश करोगे, सेम काम यहाँ पर भी किया गया था, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रचा जा रहा था उसी टाइम पे दे यूज टू टेक यू नो रेफरेंस ऑफ अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसी टाइम पे डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट आइडियाज आ गया था, आप देख सकते हो द टर्म एंड द आइडिया, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ प्रीएम्बल भी होना चाहिए जो शॉर्ट नोट्स के अंदर, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कॉमन क्राउड के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करे, आप देखो कोई एक बच्चे का बुक में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, हर एक एज में, हर एक उम्र में, हर एक जगह में इंडियन प्रीएम्बल जो है, सिंपल चीजें है, सबको समझ में आया, ऐसे लैंग्वेज में लिखा गया है, आप देख सकते हो ये जो प्रीएम्बल होना चाहिए ये आइडिया सबसे पहला यूज किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो USA का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जी वहां से ये आइडिया अडॉप्ट किया गया है कि हाँ एक प्रीएम्बल तो होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि हाउएवर द लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल जो आपको बताया गया है, लैंग्वेज किस लैंग्वेज पे बात करना है, कैसे वर्ड, कैसे शब्दों को कैसे यूज करना है, किस टोन पे, अगर मैं मान लीजिए आपके साथ बात कर रहा हूँ जी तो मेरा एक टोन होता है, अगर मैं आप मेरा दोस्त के साथ बातें करता हूँ तो मेरा एक टोन होता है, सेम गोज विथ यू, आप अगर अलग अलग लोग के साथ, आपके पापा के साथ बात करोगे, आपके माँ के मामी के साथ बात करोगे तो ये एक टोन होगा जी। सिमिलरली अगर कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चाहते हो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि लाख करोड़ ऑफ पीपल के साथ आपको बातें करना होगा, और ये लैंग्वेज क्या होना चाहिए ये डिसाइड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया को देखकर। एट द सेम टाइम द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी कम फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर सवाल आ जाएगा
कि लिबर्टी का आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात किया जाते हैं लिबर्टी के बारे में वो कहां से आ जाएगा, वो आपका आंसर बन जाएगा फ्रेंच। अगर क्वेश्चन आ जाएगा इक्वालिटी के बारे में जो बात किया जाते हैं वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्टेड है, दैट शुड बी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। आप देख सकते हो दिस इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये है प्रीएम्बल, वहां पे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट, दैट इज समथिंग व्हिच वी अडॉप्ट फ्रॉम द फ्रेंच पीपल, एक्सप्रेशन बिलीव एंड फेथ एंड ओशिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, सेम वी हैव जस्ट adopted this idea from French people, and fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. ये जो आप देख सकते हो ये language, ये mindset, these are the things we adopted, we have dreamt of a country, and this was the preamble of our constitution, right? Which you know well. Sir, Lucent की GK काफी है, Ipsita Lucent की GK बहुत ही ज्यादा है, कोई भी government job के लिए उतना GK पढ़ना होता है, आपका पाथ सवाल आएगा, आपको लगता है उतना टाइम आप दे पाओगे? अगर आप मल्टीपल एग्जाम का प्रिपरेशन लेते हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, इफ यू आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी आई बिलीव यू डोंट हैव टाइम दैट मच टाइम फॉर जीके, राइट? लेट्स मूव ऑन, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू स्टूडेंट, आई होप बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो आप, तो द नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, द नवाबगंज बर्ड सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश has been renamed after, very very sir, Ishika sir, you helped our batch in maths very nicely, yes thank you so much Ishika, तो अभी जल्दी जल्दी बताइए सर, तो PYQ analysis काफी है पूनम, obviously पूनम आपके पास क्या time है उससे ज्यादा, आप मुझे बताइए very sorry आपके पास आपके पास ज्यादा टाइम तो नहीं है ना पूनम, राइट? तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीवाईक्यू सॉल्व करना पड़ेगा, उसके साथ जैसे मैं बता रहा हूं वैसे पढ़ाई करना पड़ेगा, आप बिलीव रखिए एग्जाम हॉल में जो सवाल आएगा उसके माध्यम से ही आएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मैं बता दूं यूनिवर्सिटी का नहीं, बहुत ज्यादा चांस है एक सवाल आ जाएगा, आप मिलाकर देखना कौन सी यूनिवर्सिटी कहां पे है, आज भी मैं लेकर आया हूं कौन सी यूनिवर्सिटी कहां पे है, कौन सी इंस्टीट्यूट कहां पे है, कौन सी यूनिवर्सिटी कहां पे है, कौन सी इंस्टीट्यूट कहां पे है, बहुत ही ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एक सवाल आने का चांस बहुत ज्यादा है, तो उसका लिस्ट आपको पढ़ लेना चाहिए। देखिए बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं यहाँ पे ईशिका, हर्ष, प्रियंका, राकेश, मिताली, वेरी वेरी गुड जी, आप लोग ने बिल्कुल सही बताया, शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का नाम आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल पता ही होगा, उनके नाम के ऊपर आधारित है ये बर्ड सेंचुरी का नाम दिया गया है, एंड दिस इज इन 2015, मैं अगर बता दू 2015 में ये नामकरण का काम हुआ है, और 2015 में श्री जी यू नो शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पे ये बर्ड सेंचुरी का नाम दिया गया है। आई बिलीव यू कैन सी दैट कि शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी बिहार नवाबगंज, दैट इज द थिंग। सो एनीवे स्टूडेंट, दोस आर द क्वेश्चन व्हिच इज कमिंग रिपीटेडली, सो यू नीड टू रीड जस्ट फ्यू ऑफ द थिंग्स एंड रिसेंट ईयर्स, याद रखिएगा रिसेंट ईयर्स में लास्ट 5-6 ईयर्स में जो चीजें इंडिया में हुआ है, जैसा आपको पता है मैं लेकर आया था The you know Statue of Liberty के बारे में मैं अगर बात करूं, तो these are the question, तो ये आपको बहुत ज्यादा ज्यादा जो है पढ़ना पड़ेगा, ये जो questions है जी वो आपको पढ़ना पड़ेगा, just one minute, current affairs, yes current affairs, general knowledge, ज्यादातर general knowledge जो है not only proper current affairs, नॉट ओनली जब प्रॉपर करेंट अफेयर्स, आपको जनरल नॉलेज जो है पूरा उस तरीके से आपको अप्रोच लेना पड़ेगा। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे द नवाबगंज बर्ड सेंचुरी इन यूपी जो है हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर चंद्रशेखर आजाद, शहीद चंद्रशेखर आजाद। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, ये सवाल कर लीजिए, ये सवाल कर लीजिए,
सॉरी वेलकम जी, वेलकम एवरीवन, वेलकम 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 सर। हर रोज क्लास होगी? जी हाँ, हर दिन 5 बजे ये क्लासेस हो रहा है। इप्सिता, इशिका, हर रोज क्लास होगी। यस निष्ठा, प्रियंका सी, मतलब मैं देख सकता हूँ 3 और 4 में आपको कंफ्यूजन है। देखिए 3 और 4 में जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बीइंग सेट अप? ये आपको पता होना चाहिए। इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है गुड़गांव हरियाणा में है। जी गुड़गांव हरियाणा में है, आप देख सकते हो। श्रद्धा मनमोहन जी, डॉक्टर मनमोहन जी द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2013 23rd ऑफ मे, फाउंडेशन स्टोन लेड बाय इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गुड़गांव हरियाणा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ऑब्वियसली आ जाएगा। तो ये जो आंसर है दैट शुड बी गुड़गांव हरियाणा। So that should be the correct answer of D. प्रियंका गुप्ता ये पता था, बहुत खूब बहुत खूब। तो देखिए ऐसे सवाल आ रहे हैं आपको एग्जाम के लिए, तो दैट शुड बी गुड़गांव हरियाणा एंड वेरी वेरी गुड। जिन स्टूडेंटों ने सही जवाब दे दिया, वेरी वेरी गुड। सर सीयूईटी यूजी के लिए भी है क्या ये? सुजल देखिए हम पीजी को अभी के लिए जो क्लासेस में लगा रहा हूँ दिस इज फॉर पीजी। ऑब्वियसली यूजी में भी पेपर 1 करीब करीब सेम है, कुछ अलग है जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन आ जाता है, कुछ कुछ चीजें अलग है, क्वेश्चन का लेवल डिफरेंट है। राइट, इट कैन बी हेल्पफुल। ऑब्वियसली आपको पता है जो बोर्ड है जैसे जनरल लेवल ने जैसे सवाल, इसमें तो कोई फर्क नहीं हो सकता है ना, यूजी पीजी ऐसे करके तो फर्क नहीं हो सकता। जनरल नॉलेज इज जनरल नॉलेज, दैट इज एन अवेयरनेस। राइट, सो यस सर सीयूईटी यूजी के लिए भी है ये। अच्छा बहुत खूब, चलिए अभी आप देख सकते हो इन सवालों जो है, इन सवाल को आप कलेक्शन जैसा बना लीजिए, इन सवाल को अच्छे से पढ़ के जाइए और इसके आसपास बगल वाला सवाल को भी पढ़ के जाइएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। और मैं देख सकता हूँ यार लाइक नहीं कर रहा है कोई, पसंद नहीं आ रहा है क्या आपको सेशन? हेल्प अगर मिल रहा है जी सेशन से और आपको पता लगेगा हेल्प मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये एग्जाम हॉल में जाके। तो अभी आपको जैसे गाइडेंस दिया जा रहा है आप सी पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, अभी भी आपका जो है आपका एग्जाम देना शुरू हो रहा है, अभी भी आप बहुत छोटे हो, ग्रेजुएशन से जाके मास्टर्स पे जा रहे हो, इसके आगे और भी चलना है। राइट, अभी तो आपको एग्जाम देना शुरू होगा एकेडमिक लाइन पे, जो जो हो आपका एग्जाम देना शुरू होने वाला है जी। दिस विल बी योर फर्स्ट एग्जाम इन सम एकेडमिक यू नो एरिया। तो आपका एकेडमिक्स में कोई एक यूनिवर्सिटी में एंट्री लेना फर्स्ट पदक्षेप है, उसके बाद वहां पे अंदर जाने के बाद मास्टर्स में खुद का जो सब्जेक्ट है उसको अच्छे से पढ़ने का मौका मिलता है जी। ग्रेजुएशन तक जो पढ़ाई आपको हुआ है वो तो था ही, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है मास्टर्स में जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, तब डिसाइडेड हो जाता है क्या इस सब्जेक्ट से ही आगे जाने वाले हो, क्या आप रिसर्च में जाने वाले हो, क्या आप पीएचडी करने वाले हो या क्या करने वाले हो। तो मास्टर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आपका टारगेट अभी के लिए, बस अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है जी कि मुझे अच्छा एक यूनिवर्सिटी मिलना चाहिए, बस और कुछ नहीं। चाहे वो सीयूईटी के माध्यम से कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आईआईटी जैन के माध्यम से कोई एक आईआईटी हो, बट अ वेरी वेरी गुड स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी। व्हाट इज द गुड पार्ट ऑफ इट? आप एक बार उस यूनिवर्सिटी लाइफ में प्रवेश कर जाओगे ना, आपका जिंदगी में बदल आ जाएगा। मैं ये इतना बार बार बताता हूँ, तो बहुत ज्यादा क्रूशियल है एग्जाम को क्वालिफाई करना जी, बहुत ज्यादा। ज्यादा प्रेशर मत लीजिए, आपके अंदर काबिलियत है, खूबियां है, जो आपके खूबियां है उसमें आप जरूर एक्सेल करोगे। समझ में आ रहा है मेरे बात? चलिए ये सवाल का आंसर क्या होगा, हु वॉज द लास्ट हिंदू किंग ऑफ नॉर्थ इंडिया? हु वॉज द लास्ट हिंदू किंग ऑफ? सर सर स्कंद गुप्ता सुना है स्कंद गुप्ता सुना है। अच्छा राकेश गुजर बता रहा है, बाकी स्टूडेंट बताइए। वेरी वेरी गुड, यहाँ पे सौरभ यादव बता रहा है 2 सर, प्रियंका गुप्ता बी बता रहा है, राकेश गुजर, इशिका राजवत, हर्ष द्विवेदी, सारे स्टूडेंट बताइए जी। सारे स्टूडेंट जवाब देने की कोशिश तो करिए, हु वॉज द लास्ट हिंदू किंग ऑफ नॉर्थ इंडिया, इसका जवाब क्या हो जाएगा जी? सारे स्टूडेंट को नाम तो पता है लेकिन एक्चुअली पे लास्ट हिंदू किंग कौन था अगर ऐसे क्वेश्चन किया जाएगा
तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए ये ध्यान पे रखना, हर्षवर्धन द आंसर शुड बी राजा हर्ष जो थे, किंग हर्ष या हर्षवर्धना। हर्षवर्धना वॉज द लास्ट हिंदू किंग ऑफ इंडिया। ही डाइड करीब करीब 640 एडी या सीई कुछ भी बताइए, 640 एडी के करीब ही डाइड। सो अप टू दैट पीरियड ऑफ टाइम ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ इंडिया, लास्ट किंग ऑफ हिंदू, यू नो लास्ट हिंदू किंग ऑफ नॉर्थ इंडिया, एंड द आंसर शुड बी हर्षवर्धन। लेट्स मूव ऑन, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सीयू स्टेट 2018। आप देख सकते हो तो तब सीयू स्टेट था, अभी सीयूईटी जो हो गया, दिस इज एन एग्जाम जो है थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एक साथ आ चुके हैं, सो आई बिलीव यू नो दैट। लेट्स मूव ऑन जी, हर्षवर्धना शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम साइंस, मैं बता चुका हूं आपको बेसिक साइंस से सवाल आ जाएगा, जैसा ये सवाल मुझे भी बताता है, फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड मुझे भी उतना जीके करने का स्कोप नहीं मिला था, लेकिन स्टूडेंट मैं सिर्फ आपके लिए अभी जो है मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि क्योंकि आपने बताया आपको जरूरत है, राइट, आपको बताया मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, बट आपने बताया कि सर जीके जो है अवेयरनेस के बारे में थोड़ा सेशन रखिए, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कुछ नया करने का, सच दैट आपको हेल्प मिल जाएगा। तो देख सकते हो ये सवाल तो सबको पता होना चाहिए, ये तो साइंस बैकग्राउंड का है। अगर आप जीके का चर्चा नहीं भी किए हो आपके सब्जेक्ट में, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड जी, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो देखिये मैं एक पिक्चर आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर ये स्केल देखोगे, दिस इज द स्केल ऑफ नैनो पार्टिकल्स, यू पीपल कैन रिलेट इन ए मोर ब्यूटिफुल वे। क्योंकि देखिए नैनो पार्टिकल्स में अगर 1 नैनोमीटर देखोगे, दैट इज 10^9, जो आपको पता है। सेल के बारे में आप स्टडी करते हो तो स्पेशली मुझे याद है मैं क्लास 9 में था और मेरा जो टीचर था, ही वॉज अ ग्रेट मैन, ग्रेट टीचर, ही वॉज अ डॉक्टरेट इन लाइफ साइंस, एंड मुझे पता है बहुत ही कम ऐसे आइडियल टीचर्स को मुझे देखने को मौका मिला। दैट्स वाई बायोलॉजी वॉज वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट, राइट। मुझे पता है क्लास 9 में जब पहला दिन पढ़ने के लिए गया था मैं सर के पास, सर ने क्या किया था, पहला दिन सेल शुरू किया था और उन्होंने मेजरमेंट लिखाया था, यानी कि एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर। तो ये नॉलेज अगर आप बताओगे सर आपके पास कहाँ से है, क्लास 9 से है, क्योंकि मेरा टीचर ने मुझे बायोलॉजी पढ़ाने के टाइम पे उन्होंने बताया थे, ठीक है। सो दैट वॉज द थिंग, आप देख सकते हो जी ये जो नैनो पार्टिकल्स है, नैनो पार्टिकल्स में डीएनए जो है करीब करीब 10^-8 यानी कि 10 नैनोमीटर हो जाता है। 100 नैनोमीटर में देखिए वायरसेस आ जाते हैं, बैक्टीरिया करीब करीब 10^-6 हो जाते हैं, थोड़ा और बड़ा हो जाते हैं। जितना राइट की तरफ जाओगे उतना बड़ा है, जितना लेफ्ट की तरफ जाओगे उतना छोटा है। एटॉम्स देखिए करीब करीब 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10^-10 मीटर, 1 नैनोमीटर यानी कि 10^-9 मीटर, जहां पे मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। तो हम नैनो पार्टिकल्स बताएंगे जी, हम नैनो पार्टिकल्स बताएंगे किसको, इसका रेंज होता है 1 nm to 100 nm तक। क्या बताया मैंने, 1 nm से 100 nm तक इसका रेंज हो जाता है जी। अगर इस चार्ट को आप देखोगे, यानी कि सर यहां से शुरू करके यहां करीब करीब हो जाते हैं, यहां से शुरू करके यहां तक हो जाता है, 1 nm से शुरू करके 100 nm तक। तो ये जो रेंज है, इस रेंज को हम नैनो पार्टिकल्स का रेंज बताते हैं। आपको पूछा गया है ऑप्टिमम, मतलब सबसे बेस्ट, ऑप्टिमम वर्ड का आइडिया जो है, मीनिंग जो है, दैट इज बेस्ट साइज, द बेस्ट साइज ऑफ एनी नैनो पार्टिकल्स। तो नैनो पार्टिकल्स अगर छोटा बड़ा है तो ऑब्वियसली वो नैनो पार्टिकल्स नहीं है, मतलब उसके रेंज में आ रहा है, बट ऑप्टिमम बेस्ट पॉसिबल क्या है, 1 nm, यानी आप देख सकते हो अगर 10^-9 हो जाए, दैट इज द ऑप्टिमम बेस्ट पॉसिबल नैनो पार्टिकल, उसके बाद जाएगा तो एंगस्ट्रॉम वाला रेंज में चला जाएगा। तो द आंसर शुड बी 10^-9 मीटर, आई बिलीव इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। अच्छा मैं देख सकता हूँ हमारे स्टूडेंट जो है बहुत सारे बातें यहाँ पे कर रहा है, लास्ट हिंदू किंग तो पृथ्वीराज चौहान थे ना सर, लेकिन देखिए ये जो सवाल का जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन, बताया गया लास्ट हिंदू किंग ऑफ नॉर्थ इंडिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट, पूरा नॉर्थ इंडिया, तो आपको देखना पड़ेगा पृथ्वीराज चौहान जी ने कितना जय किया था, दैट पोस्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। नॉर्थ लिखना भूल गए, अच्छा हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और ये सवाल देख लेते हैं। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, मैंने क्या बताया, बार बार घुमा फिरा कर इंडियन इंस्टीट्यूट के ऊपर सवाल आ रहा है, क्योंकि ये सीयूईटी एग्जाम है स्टूडेंट, बहुत कॉमन सेंस है, तो यू मस्ट नो कौन सा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, इसके बारे में ओवरऑल एक आइडिया ले लो। ये इसरो का ही पार्ट है, आपको पता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो है ये इसरो का ही पार्ट है, बट ये जो है इसका क्वेश्चन जो है आ गया है, तो इसरो का पार्ट है बट कहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर,
The Indian Institute of Remote Sensing is located at where? Hyderabad, Bengaluru, Dehradun, Ahmedabad. What should be the correct answer? Very, very good. Priyanka Gupta, Shomodip Shamanto, Rakesh Gujar, Priyanka Gupta. Very good. Very, very good, ji. Very, very good. Kya baat? Sonal Shukla, bahut achha, ji. Bahut achha. Bilkul sahi bataya aap logon ne. Dehradun should be the करेक्ट आंसर. तो ये गलती मत करना. आप देख सकते हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून. ये एक सिग्नेचर का फोटोग्राफ है. मैं गूगल फोटो से बस लेकर आया हूँ आपको दिखाने के लिए. आप देख सकते हो इसरो का कोलैबोरेशन है इसमें और IIRS नाम से ये जाना जाता है. क्या शॉर्ट फॉर्म है जी इसका? शॉर्ट फॉर्म जो है IIRS, ऐसा शॉर्ट फॉर्म से नाम से जाना जाते हैं और ये देहरादून में सिचुएटेड है. एनीवे स्टूडेंट, चलिए आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल बन रहा है. इससे आपको कुछ सीखने को मौका मिल रहा है. तो आपका भी जो दोस्त है उनके पास भी ये सेशन जाना चाहिए. मुझे लगता है हेल्प अदर्स, यू विल गेट हेल्प फ्रॉम एनीवेयर एल्स, राइट? तो दूसरे को हेल्प करिए, आपको भी हेल्प आ जाएगा. तो जरूर कोई दोस्त पूछेगा कि तुम अवेयरनेस के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, तो उनको बताना कि जो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो दोस्त को भी बताना चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और आगे बढ़ के देखते हैं क्या है. सो आगे बढ़ के जो है आपके लिए बिग थैंक्स है. थैंक यू सो मच जी आपका टाइम देने के लिए. आपको समझ में आ रहा है ये जो 30 मिनट्स का सेशन हो रहा है? मैंने आपको बताया विद इन 30 मिनट्स आपके लिए कुछ सवाल लेकर मैं रेगुलर डिस्कस करूंगा. अभी तक करीब करीब 26-27 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं हम. मेरा टारगेट है 50-100 तक, जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके आपके लिए क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा. तो ये सवाल को जरूर सॉल्व करिएगा एंड उसके साथ साथ प्लीज खुद का कॉमन सेंस यूज करिए कि जो बता रहा है सर ये सवाल इंपॉर्टेंट है. जैसा आज मैंने आपको बताया इंडियन यूनिवर्सिटीज कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है, तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखा करिए. थैंक यू सो मच प्रियंका, इशिका, थैंक यू सो मच. यस, थैंक यू सो मच. सर ये इंस्टीट्यूट वाला कहां से करे? पूनम, आपके पास पूरा दुनिया है, आपके पास गूगल है, आपके पास सारे सोर्सेस अवेलेबल है, तो उसका यूज करो, उसको उपयोग करो. जो आपका PYQ है उसको देखो, उसको पढ़ो एंड सिमिलर सवाल को आप सर्च करो. आपको ज्यादा मेहनत करना नहीं होगा. देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट जहां पे ऑलरेडी ये सवाल का कलेक्शन रखा गया है. Once you search, you will get similar question. आपको बस go through करना है उन क्वेश्चनों के माध्यम से और उसको पढ़ लेना है. मान लीजिए हर टाइप का जो सवाल है, इंडियन यूनिवर्सिटीज का लिस्ट क्या क्या हो सकता है, आप सर्च करो, देखो कोई ना कोई वेबसाइट आपके लिए बना के रखा है. आप उसमें जाके थोड़ा बहुत नोट डाउन कर लीजिए. ऐसे नोट बनाइए जीके के लिए, ऐसे जीके के लिए एक नोट बनाइए. जैसे यूनिवर्सिटीज का कलेक्शन मैंने उस दिन पढ़ाया आपको, बॉडी पर कौन सा अफेक्टेड होता है, कौन सा बीमारी के लिए, ऐसा कलेक्शन. तो जो सवाल आया है उसके ऊपर, जैसा बाहर से कौन कौन विजिटर्स आए थे इंडिया में उसका कलेक्शन, ऐसे सवाल को कलेक्ट करिए ना. बहुत ज्यादा है, इतना तो आप रिमेंबर कर लीजिए, बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा. चलिए गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, लेट्स मीट. बहुत खूब, बहुत खूब. प्रियंका गुप्ता ने बताया गूगल बाबा, वेरी गुड. चलिए मिलते हैं कल यानी के 5 बजे. चलिए गुड बाय एवरीबॉडी.